दोस्तों, जब भी आप कभी कार से, बस से या फिर रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं और किसी ऐसे पुल के ऊपर से गुजरते हैं जो कि पानी में बना होता है, तो वो नज़ारा देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। ऐसे सफर में हमारा मन भी रोमांच से भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पुल बनते कैसे हैं? क्योंकि अगर बात करें हाईवेज की, तो उन्हें बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन पानी के अंदर पुल आखिर कैसे बनते होंगे? और आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इतने सालों से ये पुल कैसे खड़ा है। कुछ पुल तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें बने हुए लगभग 100 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी ये एकदम मजबूत और टिकाऊ हैं। दोस्तों, अगर आपके जहन में भी यही सवाल उठ रहा है, तो आज की इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, यात्रा के दौरान ऊपर आकाश और नीचे पानी से लबालब भरी हुई नदी या फिर कोई बड़ा तालाब और उसमें बीच में खड़ा एक पुल, जिससे कि रोजाना करीब हजारों गाड़ियों का आवागमन होता है, और वो पुल वैसा का वैसा ही खड़ा है। दोस्तों, नदी पर पुल बनाने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस नदी पर कौन सा पुल बनाना है। आपको बता दें कि ब्रिज तीन तरह के होते हैं। वैसे तो नदी पर न जाने कितने तरह के ब्रिज बनाए जाते हैं, लेकिन इंजीनियर्स की चॉइस के मुताबिक नदी में बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज या फिर आर्क ब्रिज बनाए जाते हैं। ये तीन अलग अलग तरह के ब्रिजेस बनाने में साइंटिस्ट्स का उद्देश्य अलग होता है। बता दें कि नदियों की सतह में आमतौर पर मिट्टी या बालू होती है। इस मिट्टी या बालू में पुल के नीचे बने पिलर का वजन और ऊपर से जब गाड़ियां ब्रिज के ऊपर से गुजरती हैं, तो उनके वजन से ब्रिज के पिलर को और नीचे धस जाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि आखिर नदी में कौन सा ब्रिज बनेगा। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आखिर इन तीनों ब्रिजेस में अंतर क्या है, तो सब्र रखिए जनाब, आपको सब बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिस भी नदी पर ब्रिज बनाना होता है, उस नदी के बारे में अच्छे से रिसर्च होती है, जैसे कि इस नदी का सामान्य जल स्तर कितना है, और जब बरसात के समय ये नदी उफान पर होती है तो इसका जल स्तर कितना बढ़ जाता है, क्योंकि जल का भी अपना वजन होता है। इंजीनियर इन सब चीज़ों को अच्छे से देखकर इनकी स्टडी करते हैं, और उसके बाद ही इस बात पर फैसला लिया जाता है कि आखिर इस नदी पर किस तरह का ब्रिज सही रहेगा, जो कि मजबूत और टिकाऊ भी हो। और जब बात होती है मजबूत और टिकाऊ ब्रिज की, तो सबसे पहले इंजीनियर्स की चॉइस होती है बीम ब्रिज की, क्योंकि ये ब्रिज मजबूत भी होता है और टिकाऊ भी होता है, और अन्य ब्रिजेस की कंपैरिजन में इस ब्रिज को बनाने में काफी कम समय भी लगता है। दोस्तों, इस ब्रिज को बनाने के लिए सबसे पहले नदी के बीचों बीच एक सीधी रेखा नापी जाती है, और फिर एक निश्चित दूरी पर बीम खड़े किए जाते हैं। बता दें कि इन बीम को खड़ा करने के लिए सबसे पहले एक धातु का ड्रम तैयार किया जाता है। ये ड्रम जितना नदी के बाहर खड़े होते हैं, उतने ही नदी के अंदर भीतर की सतह पर भी धसाए जाते हैं, ताकि भविष्य में अगर किसी वजह से नदी में मिट्टी का कटाव ज्यादा हो, तब भी बीम जमीन के अंदर तक धसी रहे। ये बीम जो कि नदी के बीचों बीच रखी जाती है, इसे कॉफर डैम कहा जाता है। ज्यादा बड़े होने की वजह से ये कॉफर डैम को क्रेन की मदद से सेट किया जाता है, और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कॉफर डैम बिल्कुल सीधे खड़े हों, बिल्कुल भी इधर या उधर की तरफ ना झुके। इन कॉफर डैम में धातु के रूप में स्टील का उपयोग किया जाता है, ताकि सालों साल तक ना तो उसमें जंग लगे और ना ही किसी तरह से वो खराब हों। लोहे का कॉफर डैम इसलिए तैयार नहीं किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर लोहे का कॉफर डैम तैयार किया जाए, तो वो नदी में मिट्टी और पानी की वजह से जल्दी खराब हो जाएगा, और ब्रिज के टूटने या फिर झुकने का डर हमेशा बना रहेगा। लोहे की अपेक्षा स्टील से बने कॉफर डैम करीब 100 साल ज्यादा चलते हैं। दोस्तों, ये जो कॉफर डैम बनाए जाते हैं, ये अधिकतर गोल बनाए जाते हैं। पुराने समय में नदियों में बनाए जाने वाले पुलों में ये स्क्वायर होते थे, लेकिन अब ये कॉफर डैम गोल होते हैं, क्योंकि उसमें मजबूती ज्यादा होती है। उसका एक कारण ये भी है कि स्क्वायर वाले कॉफर डैम कोनों से उखड़ने लगते हैं और ब्रिज कमजोर होने लगता है। दोस्तों, इस तरह के ब्रिजेस में मजबूती केवल कॉफर डैम की वजह से ही होती है। कॉफर डैम को जब नदी में जमीन के अंदर धसाया जाता है, तो इसे नीचे से कुछ इस तरह से सेट किया जाता है, ताकि इसके अंदर पानी ना भर सके, और जो भी पानी इसे लगाते समय इसके अंदर भर गया होता है, उसे बड़े बड़े मोटर पंप की मदद से बाहर निकाला जाता है, और इसके नीचे की सतह के छोटे छोटे छिद्रों को सीमेंट से भर दिया जाता है, ताकि इस ड्रम में पानी ना भरे। इस तरह से कई सारे कॉफर डैम उस नदी पर खड़े कर दिए जाते हैं जिसमें ब्रिज बनना होता है, जिसके बाद इस पर पुल का निर्माण शुरू होता है। दोस्तों, पहले ब्रिज बनाने के लिए डायरेक्ट ऊपर की रोड बना दी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। अब रोड के साचे पहले ही बना लिए जाते हैं, जिसके अंदर रोड का स्ट्रक्चर ढालकर बाद में उन्हें क्रेन की मदद से उठाकर पिलर में रखवा दिया जाता है, और उन्हें मोटे मोटे सरियों की मदद से कस भी दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर आज भी पिलर के ऊपर अलग से सड़कें बनाई जाती हैं। दोस्तों, ये तो बात रही बीम ब्रिज की, लेकिन सस्पेंशन ब्रिज की जब बात आती है, तो सबसे ज्यादा खुशी उनके चेहरे पर होती है जो कि बाय रोड या फिर खुद की कार से ज्यादा ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा ब्रिज है जिसे हम झूला कहें तो गलत नहीं होगा।
क्योंकि इस पर जब आप गाड़ी चलाओगे या जो भी इसमें गाड़ी से चलेगा तो उसे ऐसा महसूस होगा कि रोड झूल रही है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पुल में बीम ब्रिज की तरह बीम नहीं होते हैं, बल्कि इसमें काफ़ी कम बीम होते हैं, लेकिन इसमें कुछ बीम काफ़ी लंबे होते हैं और वो टावर की तरह खड़े किए जाते हैं। बता दें कि ये ब्रिज स्टील की प्लेटों से बना होता है जो कि काफ़ी मोटी होती है, और इस मोटी प्लेट से मोटी मोटी स्टील की वायर ऊपर टावर में कसी होती है, जिस वजह से जब भी कोई गाड़ी निकलती है तो पुल हिलता है या फिर कह सकते हैं कि कंपन करता है। दोस्तों इस पुल के ऊपर ज़्यादा भार नहीं ढोया जा सकता है, इसलिए ये पुल जहाँ पर भी बनाया जाता है वहाँ पर चेतावनी के तौर पर ये बोर्ड लगा दिया जाता है और उसमें लिख दिया जाता है कि कृपया गाड़ी धीमे चलाएं और एक बार में दो या तीन गाड़ी ही पुल को पार करें। ऐसा इसलिए होता है ताकि पुल पर ज़्यादा लोड ना पड़े, लेकिन दोस्तों इस पुल को बनाने में बीम ब्रिज से भी ज़्यादा समय लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं आर्क ब्रिज की, जिसे मेहराब के पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप देखेंगे तो ये मेहराब या फिर धनुष के समान ही होता है, जैसा कि आपने हरिद्वार के पुल को देखा ही होगा जो कि आजकल इंस्टा रील्स पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों आर्क ब्रिज पुल को बनाने की सबसे पुरानी तकनीक है। बहुत पुराने समय में जब कंक्रीट नहीं होती थी उस समय मेहराब वाले पुल ही बनाए जाते थे। ये ब्रिज अन्य ब्रिजेस की कंपैरिजन में काफ़ी मजबूत होते हैं। दोस्तों आर्क गणित और इंजीनियरिंग का शब्द है जिसका मतलब परवलय या फिर चंदा के आकार का कोई निर्माण या वस्तु होता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आर्क ब्रिज का प्रयोग वैसी जगहों पर किया जाता है जो पहाड़ी हो या नदी के क्षेत्र में हो। इन इलाकों में बीच के खंभे बनाना संभव नहीं होता है, जिसके लिए ब्रिज को आर्क बनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में ब्रिज बिना आर्क के बनाए जाएंगे तो दुर्घटना की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे निर्माण कार्य में जब वो वाहन पुल से गुजरता है तो भार स्पेशन ले लेता है, यानी पुल पर चल रहे वाहनों का भार कई हिस्सों में विभाजित हो जाता है, जिससे पुल क्षतिग्रस्त नहीं हो पाता। सीधे शब्दों में अगर बात करें तो पुल पर पड़ने वाला भार कई आर्क के कई हिस्सों में बढ़ जाता है, जिस वजह से पूरा भार एक साथ पुल पर नहीं पड़ता है और पुल की लाइफ लाइन काफ़ी लंबी होती है। दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में ऐसी अन्य कई सारी टेक्नोलॉजी हैं जिनसे कई बार ब्रिज बनाना आसान होता है और कई बार मुश्किल भी होता है, पर दोस्तों पुराने ज़माने में बनाए गए कई पुल ऐसे भी हैं जो कि आज भी बिना किसी दिक्कत के वैसे ही खड़े हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि उसे किसी इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है, बल्कि गांव मोहल्ले के लोगों ने मिलकर ही बनाया था। खैर दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो देखने के बाद ब्रिज बनने के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वैसे आपका सबसे पसंदीदा पुल कौन सा है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।